दमोह जिले में लगातार ही व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े आउटसोर्स के शिक्षक इन दिनों परेशान हैं। उन्हें 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में उनके द्वारा धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, हल्ला बोल करते हुए अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में आउटसोर्स के सभी शिक्षक दमोह जिले के पथरिया की बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई सिंह के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामबाई सिंह को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। रामबाई सिंह ने दमोह जिले के जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा कर इनकी समस्याओं को समाधान पर पहुंचाने की बात कही, और उसके बाद मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार विकास यात्राएं निकाल रही है और अन्य प्रदेशों में आउटसोर्स के कर्मचारी खत्म कर उन्हें नियमित कर दिया गया है, तो ऐसे हालात में मध्य प्रदेश में यह क्या चल रहा है, किस तरह के हालात चल रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए। क्या कुछ कहा बहुजन समाज पार्टी के विधायक रामबाई सिंह ने आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। शिक्षा नीति जो आई है उसमें साफ साफ लिखा गया कि आप अपने अंडर में एग्जीक्यूट करवाइए इस प्रोजेक्ट को। कानून तो ऐसे ऐसे है कि को उनको नकार नहीं सकते, लेकिन जब हमारे आंखों पर पट्टी हमें बांधने हो गलती करने तो कहते भाई बेकर रहे जानो। अब का कहते मैं बे अन्याय कर रहे जो उनको अन्याय करने को अधिकार नहीं, अधिकार दिए गए हैं तो भी न्याय करने को अधिकार दोगे परमात्मा ने, लेकिन दुरुपयोग करो जाएगा। तो मोरू रखे को तो भाई किसके माध्यम से लगे जाओ, हम पहले हम पहले भी शिक्षक में पहले 2019 में हम लोग SMDC के माध्यम से अपॉइंट हुए थे, तो SMDC मतलब साला की जो समिति होती है उसके अनुसार हुए थे। ये व्यवसायिक शिक्षा का कार्यक्रम 2014 से चल रहा है मध्य प्रदेश में। अच्छा, तो SMDC स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लोक शिक्षण संचालनालय है अपना भोपाल में, उसने क्या किया कि कंपनी को टेंडर दे दिया कि भाई अब हम लोगों को कंपनी के अंडर में कर रहे हैं। तो हम लोग हाई कोर्ट चले गए कि हम लोगों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है मैम, तो हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आ गए। अब एक्चुअली मैम लोक शिक्षण संचालनालय जो कंपनी आपको पेमेंट दे रही है, कहाँ से पेमेंट, 8 महीना पहले पेमेंट कहाँ से आती है? और ये अपने जिले के बस डीओ साहब ऐसा बोल रहे हैं, बाकी जिले पूरा सहयोग कर रहे हैं। बकायदा हमने दो दो तीन तीन बार लेटर लिख दिया है, ये भी तो बोल रहे हैं कि हमने लिख लिया है। अब लिखा जब हम लोगों ने चलो अब उनमें जी हर महीना नहीं लिखा है, लेकिन 27 तारीख से विधानसभा लगने हम आपको पोस्टर 100% अभी बोले दे रहे लड़का पहुँचा हुआ हमने, हम जरूर लगाए। जी आउटसोर्स में जो शिक्षक हैं ये मतलब दमोह जिले के, टोटल पूरे दमोह जिले के थे, जो अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं, और इसमें सरकार ने अपना पलड़ा झाड़ लो, मतलब अपना पलड़ा झाड़ खें और कंपनी के ऊपर रख दो। अब स्थिति जा है कि ना उन्हें कंपनी मतलब पेमेंट दे रही है और ना सरकार दे रही है, और सबसे बड़ी स्थिति यह है कि जोन के अधीन डीओ दमोह जिले के शिक्षा अधिकारी हैं, जोन के अधीन वे काम कर रहे हैं, जोन के आदेशों पर काम कर रहे हैं, उन्हें ये चीज़ की जानकारी ही नहीं है। आज तक उनने इन कंपनियों पे कोई कार्रवाई नहीं की, आज तक उनने कंपनी पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो बेचारे 8 महीने से उनको पेमेंट नहीं दी गई है, 8 महीने से परेशान हैं लगातार। कुछ लोग बाहर से भी रह रहे हैं, जैसे तो किराए से रह रहा रीवा सतना की, तो वो तो बेचारे बिल भी नहीं दे पा रहे, अपना भविष्य बनाने की तो छोड़, बच्चों की भविष्य की तो छोड़ो, वो अपना भी नहीं बना पा रहे हैं। बहुत ख़राब स्थिति है और सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। और एक ओर हम देख रहे हैं कि सरकार विकास यात्राएँ निकाल रही, और दूसरी ओर इसी मध्य प्रदेश के लोग जो सरकार के मतलब अधीन होक हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो जब बड़ी शर्मनाक बात है कि आज दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उनको पेमेंट 8 महीने से नहीं दी गई है। और ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे दमोह जिले के जो डीओ साहब हैं, उनने जब
ये सब उनको ज्ञापन देने गए, जब उनने कंपनी सरकार को लिखा है कि इनकी पेमेंट दी जाए, आज तक उनने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने भी फ़ोन पे बात की है, तो इसी के चलते मैं क्वेश्चन बना रहे हैं दिग्विजय पटेल हमारे जो पीए साहब हैं, मैं विधानसभा में क्वेश्चन लगाऊंगी और मध्य प्रदेश के समस्त जो ऐसे कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग में जो आउटसोर्स से लगे हुए हैं, तो उनकी बात भी हम रखें सरकार के सामने। और जितने भी मध्य प्रदेश के विधायक हैं तो वो सभी शायद इस सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि जो गलत हो रहा है और इनके साथ अन्याय हो रहा हो, इनके इनको मतलब सम्मिलियन करो जाए और उनको वेतन वृद्धि है जो वो भी उनको दई जाए। आज उनको उनके लाने कोई मतलब सुविधा ही नहीं है भाई। दूसरे पर हमें जा समझ में नहीं आउत कि आज मध्य प्रदेश के हालात ऐसे क्यों हैं, हर चीज़ में हालात ऐसे हो गए हैं कि आज जा बताओ दूसरे हरियाणा में असम में वही शिक्षक मतलब सम्मिलियन हो गए और आज अपने तो जा स्थिति है कि भाई अपनी 8 महीना की तनख्वाह हों रो रहे, बताओ उन्हें आउटसोर्स वारों हों अलग ही कर दो दूसरे प्रदेशों में और अपने तो हर चीज़ आउटसोर्स पे कहूँ इस पे और उस पे इन कंपनियों पर छोड़ी जा रही। तो कर्मचारी ऐसी स्थिति में हैं और उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा, और हमारे मध्य प्रदेश के सीएम साहब बड़ी बड़ी विकास यात्राएं करवा रहे हैं, बड़े बड़े काम करवा रहे हैं सिर्फ जनता हों दिखावे के लाने, लेकिन यथार्थ में दिया तले अंधेरो है जैसी किसा है, इनको इनकी ओर कोई नहीं देख रहे यहाँ। तो जब परिस्थिति है हम इनके साथ हैं और इनके सच्चाई जो है उसके साथ हम खड़े हैं और इनके हक के लाने हम विधानसभा में ज़रूर क्वेश्चन लगें और सवाल जवाब करें।